आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हमने एक सैलरी स्लिप शेयर करी थी और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बोला था कि अब अलाउंसेस वाला वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अलाउंसेस मिलाने के बाद एनुअल सीटीसी कितनी होती है, सब कुछ कैलकुलेट करने पे। सबसे पहले हम इन शॉर्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी जो ग्रॉस सैलरी थी वो थी 61,587.32 रुपए, यानी 61,587.32 रुपीज इनकी ग्रॉस सैलरी थी, और इनके डिडक्शन थे 9,109.44 रुपए, यानी 9,109.44 रुपीज इनके डिडक्शन के थे। तो इनका नेट पे बन रहा था 52,477.88 रुपए, यानी 52,477.88 रुपीज इनका नेट पे बन रहा था। अलाउंसेस वाला पार्ट हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि IBPS SO IT का कोई बुक बताओ आप, या कोई कोर्स बताओ जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या होता है, काफी सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनका मटेरियल बाजार में अवेलेबल नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ IT ऑफिसर की दिशा पब्लिकेशन की दो बुक्स है, इसमें एक गाइड है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। गाइड के अंदर क्या है कि एग्जाम विद 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। इसके कुछ एक खास फीचर्स है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे एक तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट थ्योरीज विद इलस्ट्रेशन ईच चैप्टर है, 3,000+ इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और इसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश एप्टीट्यूड और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रोफेशनल नॉलेज, जो IT के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है जब मेंस का पेपर होता है आपका, क्योंकि उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इसके बाद एक इनका है जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि 2017 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस जो पास पेपर है IT के, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये दोनों बुक की पिक्चर्स में यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और साथ ही मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहां से जाके जो भी IT ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो बुक परचेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके अलाउंसेस कैलकुलेट करने पे। तो अलाउंसेस में सबसे पहले कन्वेंस के इनको मिलते हैं 1150 रुपए। ये कन्वेंस का अमाउंट तब मिलेगा जब आपके नाम पे आपका व्हीकल नहीं है। अगर आपके नाम पे आपका व्हीकल है तो आप पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं जो कन्वेंस से ज्यादा बनता है। तो पेट्रोल सिटी वाइज इसके अंदर डिफर करता है। जैसे ए क्लास सिटी के अंदर इनको 45 लीटर मिलता है, यानी 45 लीटर। A1 सिटी में 40 लीटर मिलता है, यानी 40 लीटर, और अदर प्लेसेस में ये 35 लीटर मिलता है, यानी 35 लीटर। तो अपन अगर ए क्लास सिटी के हिसाब से अगर मंथली कैलकुलेट करें, जो अभी वर्तमान परिवेश में 110 रुपए की रेट चल रही है, तो वो 4,950 मंथली पेट्रोल के मिलते हैं। इसके बाद क्लीनिंग मटेरियल के इनको मिलते हैं 550 रुपए, यानी 550 रुपीज मंथली इनको क्लीनिंग के मिलते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर के इनको 450 रुपए मिलते हैं, यानी 450 रुपीज। फिर मोबाइल बिल 500+ GST मिलता है, ये बिल शो करने पे मिलता है जो मोबाइल वाला है। इसके ऊपर जो मैंने अलाउंसेस बताए थे ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेस होते हैं। व्हीकल के अंदर जाहिर सी बात है कि आपको उसका RC वगैरह वहाँ सबमिट कराना होता है। उसके बाद आप हर मंथ के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसके प्रीवियस मंथ की आप पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद लीज रेंट के इनके, जिसकी सैलरी स्लिप मेरे पास थी उसमें लीज रेंट के इसको 14,000 रुपये मिलते हैं। ये स्टेट कैपिटल और Area 1 सिटी के होते हैं। ये सिटी वाइज थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, जैसे बम्बई दिल्ली में ज़्यादा मिलेंगे, अगर आपकी रूरल एरिया में पोस्टिंग है तो वहाँ कम मिलेंगे। लेकिन जो सैलरी स्लिप मेरे पास थी उसके अंदर ये जिस बंदे की थी उसको 14,000 यानी 14,000 रुपये लीज रेंट के मिल रहे थे। उसके बाद टोटल मंथली अलाउंस अगर हम लगाएं, ये जो टोटल हमने लगाया इन सबका अगर हम टोटल करें तो ये होता है 20,470 रुपए, यानी 20,470 रुपीज इनको टोटल मंथली अलाउंस मिलते हैं। ये तब मिलते हैं जब आपको व्हीकल आपके नाम पे हो और आपको लीज अमाउंट मिल रहा हो। लीज आपको वहां नहीं मिलती है जहां या तो आपकी होम टाउन पोस्टिंग और आपका घर का मकान है, तो बात अलग है। और अगर वहां पे बैंक क्वार्टर अवेलेबल है और बैंक आपको क्वार्टर दे रहा है तो आपको फिर लीज नहीं मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं एनुअल अलाउंसेस पे। तो एनुअल अलाउंसेस पे सबसे पहले इनको मिलता है मेडिकल 10,300 रुपए, ये एनुअली मिलता है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस इनको 7,000 यानी 7,000 रुपीज इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस के मिलते हैं। मोबाइल हैंडसेट के मिलते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना, 3,500 रुपए, यानी 3,500 रुपए वंस इन 3 ईयर। ये 3 साल में एक बार आप क्लेम कर सकते हैं, यानी किसी ने अगर आज क्लेम किया तो वो नेक्स्ट 3 ईयर में मोबाइल हैंडसेट के पैसे क्लेम कर सकता है 3,500 रुपए, 3,500 रुपीज। इसके बाद ब्रीफ केस के मिलते हैं 1,400 रुपए, ये भी उसी तरीके से मिलते हैं जैसे मोबाइल हैंडसेट के मिलते हैं, वंस इन 3 ईयर, यानी 3 साल में एक बार आपको
ब्रीफ केस के पैसे मिलेंगे। तो ये तो हो गए इनके टोटल अलाउंसेस जो इनको प्रोविजन के अंदर मिलते हैं। फिर इसके अलावा फर्नीचर का इनको मिलता है, ये प्रोविजन के बाद मिलता है 1.20 लाख। ये एवरी 10 ईयर के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जैसे ये आप टुकड़ों में भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे 40,000 मैंने आज क्लेम किए, फिर 2 साल बाद मैंने 2 लाख का फिर कोई फर्नीचर खरीदा तो वो क्लेम किए, तो या हो सकता है आप एक साथ भी क्लेम करना चाहें। कई इंसान ऐसे होते हैं कि एक साथ पूरा फर्नीचर का बिल दिखा के क्लेम करें, उसके अंदर आपको बिल दिखाना पड़ेगा। तो 1,20,000 जब आप पूरा क्लेम कर लेंगे तो उस डेट से जो अगले 10 साल होंगे उसके बाद आप फर्नीचर का अलाउंस लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा कुछ एक अदर बेनिफिट भी मिलते हैं प्रोविजन के बाद, जैसे व्हीकल लोन मिलता है मैक्सिमम 10 लाख रुपए का, इसके बाद हाउसिंग लोन मिलता है मैक्सिमम 60 लाख रुपए का, फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है इनको 8 लाख रुपए तक की। इसके अलावा हॉलीडे होम्स, PLI जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, आजकल बायपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था उसके बाद जो मिलने लगा है, इसके अलावा ये PL इनकैशमेंट अपनी करा सकते हैं, जो प्रिविलेज लीव जो होती है वो अगर आपकी बच जाती तो आप उनको भी कुछ हिस्सा उसका इनकैश करा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे इनको अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन ये वाले जो अलाउंसेस हैं ये प्रोविजन के बाद मिलते हैं। अब हम चलते हैं इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करने पे। तो एनुअल CTC अपन ने इनकी नेट पे कैलकुलेट करी थी 52,477.88 यानी 52,477.88 रुपीस। इसको हम इंटू करते हैं 12 से तो ये होती है 629,734.56 रुपए यानी 629,734.56 रुपीस पर एनम इनकी नेट पे बैठती है। उसके अलावा NPS का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो होता है 137,906 रुपए यानी 1,37,906 रुपीस इनको NPS के होते हैं। इसके अलावा जो अपन ने अलाउंसेस कैलकुलेट करे थे जो प्रोविजन में मिलते हैं, ये ध्यान रखना जो फर्नीचर वाले अलाउंसेस मैंने चालू किया था वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रोविजन के बाद मिलते हैं। तो अपन उन अलाउंसेस की टोटल लगाते हैं जो अपन ने फर्नीचर के पहले बोले थे क्योंकि वो वाले अलाउंसेस इनको प्रोविजन में मिलते हैं। तो वो टोटल कितने थे जब हम उनको एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो वो थे 264,572 रुपए यानी 2,64,572 पर एनम एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के PO को अलाउंसेस मिलते हैं। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो फर्नीचर वाला पार्ट है वो काफी सारे बैंकों में, जैसे जिस बैंक में मैं हूं उसके अंदर प्रोविजन के अंदर आप फर्नीचर क्लेम कर सकते हो, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा है कि फर्नीचर जो है वो प्रोविजन के बाद ही मिलेगा। इसलिए ये जो मैंने अलाउंस बताया इसके अंदर मैंने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। और उसके बाद जब हम इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करेंगे, जब इन तीनों का टोटल लगाएंगे यानी नेट पे का, NPS का और अलाउंसेस का, तो टोटल CTC इनकी बनती है 10.30 लाख रुपीस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह की और बैंकों की सैलरी स्लिप्स आप चाहते हैं या किसी और डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।